धोरीमना थाना क्षेत्र में रविवार को एक विवाहिता द्वारा टांके में कूदकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। घटना के बाद मृतका के पिता ने सास, ससुर व जेठ सहित दो तीन अन्य लोगों पर दहेज की मांग को लेकर परेशान करने व मारपीट करने का आरोप लगाते हुए हत्या करने का मामला दर्ज कराया है। थानाधिकारी सुखराम बिश्नोई ने बताया कि सुबह सूचना मिली कि पानी के टांके में डूबने से एक विवाहिता की मौत हो गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पानी के टांके पर रखे शव को कब्जे में लेकर उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मामले में मृतका के पिता कृष्णाराम जाति बिश्नोई निवासी शशिबेरी ने धोरीमना थाने में रिपोर्ट पेश कर बताया कि उसकी पुत्री पद्मा की शादी बाबूराम पुत्र कृष्णाराम जाति बिश्नोई निवासी धोरीमना के साथ सामाजिक रीति रिवाज से हुई थी। ससुर कृष्णाराम, सास शांति, जेठ अमराराम व उनके तीन पारिवारिक रिश्तेदारों द्वारा पद्मा को हमेशा दहेज के लिए मारपीट कर परेशान करते थे। कई बार गांव के मौजूद लोगों से समझाइश कर पंचायती भी करवाई गई, लेकिन आरोपी हमेशा मारपीट व प्रताड़ित करते थे। अब पिछले दो तीन दिनों से ज़्यादा ही मारपीट कर परेशान व प्रताड़ित किया गया, जिसकी सूचना पद्मा ने शनिवार को रात को घर के फोन पर रोते हुए बताया। लड़की पति जिसने आत्महत्या किया उसके नाम पद्मा, पति का नाम बाबूराम जाति बिश्नोई टाका है। धोरीमना से 1 किलोमीटर दूर घर है। सुबह 9 बजे करीब इतना मिली कि एक और टाँके में गिरने से मृत्यु हो गई। मौके पर पहुंचे तो लाश टाँके के ऊपर बाहर टाँके से बाहर निकलनी पड़ी थी। पता किया तो पद्मा वाइफ ऑफ बाबूराम जाति बिश्नोई, जिसका पीर है गुणिया गाँव में। फिर लाश को ला के हॉस्पिटल में मोर्चरी रूम रखवाई गई। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। मृतक का पिता कृष्णाराम जी ने रिपोर्ट दी कि मेरी बच्ची की शादी लगभग 10 साल पूर्व हुई थी। 10 साल पूर्व बाबूराम के साथ सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार हुई थी। शादी के बाद लगातार उसका पति जेठानी और ससुरा जी को परेशान करते थे। परेशानी के कारण रात में उसने ये टाँके में कूद कर अपने आत्महत्या किए। रिपोर्ट में आरोप लगाया कि दहेज की मांग करते हुए पद्मा के साथ मारपीट कर परेशान किया जा रहा था, जिसको लेकर पद्मा को मार डाला। पुलिस ने नामजद आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज करते हुए मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा।